once again, ladies and gentlemen, of course, हम कल इस प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. अगले 5 मिनट हैं. इन्होंने एक जवाब दिया था कि इनके ससुराल वालों ने भेजा है और वो हमने वहीं पर खामोश कर दिया. तो अब आप इनसे राब्ता करेंगे? मुझसे राब्ता कर लेंगे. मौलवी साहब को भी नंबर कल आ जाएंगे साथ. इसका एक पहलू ये भी है जो मैं मौलाना साहब से बाद में, मुफ्ती साहब से बाद में बैठ के डिस्कस करूंगा कि किसी तरह की ये भी एक कम्युनिटी सर्विस है. ये ऐसी सर्विस है कि अगर किसी इंसान के, फर्ज कीजिए कि नफ्सियात ही भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो कम से कम उसको भी एड्रेस किया जा रहा है. जरूरत किस बात की है इसके बारे में हम फ्राइडे को बात करेंगे. कोई ऐसा वो नहीं है. मालिक साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ. अब आप काम करेंगे? जी पक्का? पक्का. और आप बहुत हैंडसम आदमी हैं आप सर. इंशाल्लाह बहुत हैंडसम आदमी हैं. इनको मैंने अपना एक चश्मा दिया था, ग्लासेस दिए थे, और लगा के आपको और आपकी बेगम को हम इंशाल्लाह ताला भेजेंगे. आप लोग जाएं और डिनर करें अपना आराम से, इत्मीनान से, और नौकरी की तलाश करें. नौकरी की तलाश करें. अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है. अल्लाह ताला सब कुछ करेगा. और जब हम प्रोग्राम में वापस जाएंगे तो इनको और मैंने एक डांस स्टेप भी इनको सिखाना है. आपको पता है मैं डांस वांस बहुत, सॉरी माजरत के साथ तमाम लोगों से, लेकिन ये कि डांस स्टेप जो है वो मैंने मालिक साहब को सिखाने, और मैं और मालिक साहब डांस भी करेंगे. पक्का ना? नहीं सॉरी. अच्छा चले यार, नहीं कीजिएगा. मैं मुझे करते हुए देख लीजिएगा. हाँ, देख ये तो हो सकता है. देख साथ खड़े होकर हिल लीजिए. अच्छा चलिए. आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने का. कल आप फिर दोबारा हमारे मेहमान होंगे. लेकिन आज दो ऐसे लोग मेरे सामने मौजूद हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे, और दोनों पे जिन्नात की हाजिरी हुई. आप पे नहीं हुई, आप पे हुई, आप पे भी नहीं हुई. क्या सिलसिला जरा मुझे बताइएगा, अपना नाम बताइए. मेरे साथ मसला था. मेरी अजीब कैफियत होती. माइक. नमाज पढ़ने जाता था तो नमाज में नियत तोड़ के भाग जाता था. ओके. अगर अजान वगैरह होती थी तो कानों में उंगलियां डालता था. और इनके साथ क्या मसला था साजिद साहब? असल में इनके साथ जिन्नात का मामला था जो इनको नेक काम के लिए रोका करता था. जैसे अजान होती तो ये पूरी दोनों अपनी उंगलियां कानों के अंदर डाल लिया करते थे. अच्छा. और चाहे मस्जिद में पहली सफ में हो चाहे आखिरी सफ के अंदर, जैसी तकबीर तहरीमा हुआ, इस शख्स ने नियत तोड़ के मस्जिद से भागना है. इसने ये नहीं देखना कि ये मैं पहली सफ में हूँ या दूसरी सफ में, नमाजी के आगे भागता हुआ चला जाता है. इनके साथ क्या था, आपके साथ क्या था? मेरे साथ बचपन से समझ स्कूल से भाग जाता था सही, और भाग के सीधा कब्रिस्तान जाता था. कब्रिस्तान में जो कब्रें खुदी हुई होती थी उनको सही करने बैठ जाता था. घर वालों को किसी को नहीं पता होता था. स्कूल भाई छोड़ने जाता था, उसको साथ एकदम गली से भाग के कब्रिस्तान पहुंच जाता था. काम उसके बाद स्कूल टाइम के बाद काम शुरू किया, किसी काम में दिल नहीं लगता था, कोई काम नहीं कर सकता था. कराची शिफ्ट हो गया. कराची आने के बाद फिर वही समझ लो वही कैफियत रहती थी मेरी. इनके साथ क्या सिलसिला था? इनके साथ भी यही मामला था, जिन्नात के मामला था. जिन्नात और काले जादू की क्या हकीकत है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे. कल हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे. कुछ ऐसी फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. कुछ ऐसे केसेस हैं जो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ. ऐसे केसेस जो इससे पहले हमारे माशरे में किसी भी टेलीविज़न पर नहीं आए हैं. मैंने आपसे कहा है कि मेरे पास अपनी कोई राय नहीं है. जो कुछ हुआ है, जो कुछ यहाँ हो रहा है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमने कोई स्टेज नहीं किया. बिल्कुल. कोई प्लांटेड नहीं. कोई प्लांटेड नहीं है. बिल्कुल. मुझे मैं आप लोगों से ये ओथ लेना चाहता हूँ. क्या मैंने आप लोगों को एक लफ्ज की भी इंस्ट्रक्शन दी? आपकी मेरी गुफ्तगू ही नहीं हुई है प्रोग्राम से ना. मैं नूरी साहब को जरूर जानता हूँ, लेकिन आप हजरात से मेरी मुलाकात नहीं. आपसे मेरी मुलाकात नहीं है. मालिक साहब से मैं एक बार मिला हूँ मेरे ऑफिस में. ये जो कुछ यहाँ हो रहा है, अच्छा या बुरा कैसा भी है, ये स्टेज नहीं है. मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से 4 दिन ये केसेस, कल काले जादू के मुताबिक मुतालिक, परसों रूहों के मुतालिक, फिर उसके बाद एक चैलेंज है जो मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से जाने वाला है. जुमेरात के दिन, जुमे के दिन हम ये फिनाली करेंगे. आप लोग क्या सोचते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा. लेकिन जुमे के बाद हमारी कौम किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेगी. कोई एक ऐसा नतीजा होगा जो हम अक्स करेंगे. मकसद किसी की इल्मियत को, किसी की काबिलियत को चैलेंज करना नहीं है. मकसद यह है कि माशरे में जो कुछ है उसे आपके सामने पेश किया जाए. आई गेस हम लोग बस ये इतना ही था टाइम हमारे पास, या अभी और है? टाइम खत्म हो गया. अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखने का बहुत शुक्रिया. मैं आपसे मिलूंगा कल. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए.
आप सबकी हजरात की आमद का बहुत शुक्रिया। नूरी साहब से कल मुलाकात होगी, मुफ्ती साहब आपसे होगी, साजिद साहब आपसे होगी, सर आपसे होगी, आपसे होगी, आपसे होगी, और मेरे पास ऐसे केसेस पांच केसेस और हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा कल। कल हम काले इल्म के बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक है, यानी कि 24 घंटों का मेरे और आपके दरमियान। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।